हाय एवरीवन, हेलो जी, हेलो 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 हेलो, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम होपिंग आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो कि मैंने सही स्ट्रीम की डाली है। वैसे तो आज की स्ट्रीम की में भी TC लिखा हुआ था, तो अगर आज भी गलत हो गया तो दिक्कत है। ये कहाँ से बजा? एक मिनट बच्चों, कुछ तो बज रहा है। ये क्या बज रहा है? जस्ट वन सेकेंड। हाँ, ओप्स, सॉरी सॉरी। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, आई एम होपिंग आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। सब बच्चे मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं, सब बच्चे मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। मैंने सोचा कि यार क्रैश कोर्स अभी मैंने लॉन्च कर दिया है, तो एक ऐसा भी सेशन हो जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ इस क्रैश कोर्स के बारे में। क्योंकि यार तुम देखो कितना बड़ा क्लेम है ये बोलना कि ये फिजिक्स का बेस्ट क्रैश कोर्स है। मतलब क्या क्या रीज़न है इस चीज़ का, क्यों मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ये बोल पा रही हूँ कि ये फिजिक्स का बेस्ट क्रैश कोर्स है। ये इसीलिए है बच्चों क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों को जितनी नंबर ऑफ चीज़ें मिलेंगी, इसके अंदर तुम लोगों को जितने नंबर ऑफ रीजंस मिलेंगे जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आएगा, वो आज के इस टाइम पे YouTube के ऊपर होंगे करोड़ों टीचर्स, होंगे करोड़ों क्रैश कोर्सेज YouTube के ऊपर फिजिक्स के लिए। लेकिन एक भी ऐसा फिजिक्स का क्रैश कोर्स नहीं है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही हो, जिसके अंदर एक टीचर इक्वली इन्वॉल्व है। इक्वली इन्वॉल्व होने का मतलब समझ रहे हो कि ठीक है यार, ऑब्वियसली बात है, अगर मानो मैं क्रैश कोर्स लेके आ रही हूँ तो लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में अगर मैं वन शॉट में अगर मैं चैप्टर को ना कंप्लीट कराऊँ तो किस तरीके का क्रैश कोर्स है वो तो है ही। लेकिन और भी इसके अंदर कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैं ही DPPs बना रही हूँ बच्चों, ठीक है, मैं ही तुम्हारे साथ हर दिन, ठीक है, मैं ही तुम लोगों के साथ हर दिन 90 मिनट्स एक्स्ट्रा बैठूंगी ताकि तुम्हें पता लगे फिजिक्स के क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है। मुझे ना एक सच्चाई बताना बच्चों, कितने स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ये फील हुआ है कि यदि हम क्लासेस लगाते हैं, सच में मम्मा कसम हम लोगों ने क्लासेस लगाई हैं लेकिन हमें अप्रोच नहीं करना आता। आप हमें DPP दे देते हो, हम DPP खोल के बैठते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वॉइस मिसमैच है, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। एक मिनट, ये बोलना कि ये सच में मम्मा कसम हम लोगों ने क्लासेस लगाई। एक मिनट बच्चों, अब देखना थोड़ा सा मैनेजेबल होना, तो बच्चों प्लीज एक बार मैनेज कर लो। मैं अभी इसके ऊपर एक और सेशन नहीं लेना चाहती हूँ, तुम लोगों का भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं अगर इसके ऊपर एक और सेशन लूँ तो तुम्हारे पास टाइम भी नहीं रहेगा आने को, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो अगर थोड़ा सा मैनेजेबल है तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लेना। लेकिन एक बार ज़रा सा बात करते हैं इस फिजिक्स क्रैश कोर्स में कितने बच्चों को लगता है मैनेजेबल है, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है अब ठीक है तो फिर बाद में हम लोग शुरू कर सकते हैं, है ना बच्चों। रिफ्रेश कर लो एक बार अपनी साइड से अगर इनकेस ऐसी कोई दिक्कत है, और फिर बाद में हम लोग ये वाले सेशन को शुरू करते हैं। ये वाले सेशन को सारे के सारे नीट एस्पिरेंट्स में सेंड करो। ये क्रैश कोर्स मैंने तब लॉन्च किया था जब मैंने 10,000 बच्चों की हाँ ली थी कि हाँ दी हम लोग वो वाली क्लासेस लगाएंगे। कहाँ पर है वो 10,000 बच्चे? सारे के सारे बच्चे मुझे यहाँ पर ऑनलाइन चाहिए, सारे के सारे बच्चे मुझे लाइव चाहिए, ताकि हम ये वन टाइम डिस्कशन कर सकें कि ये जो फिजिक्स का क्रैश कोर्स है इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं जैसे कि अब ये जो वॉइस का इशू हुआ था उससे पहले मैं तुम्हें यही पूछ रही थी, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि यदि हम आपकी क्लासेस लगाते हैं, है ना, और क्लासेस में आप जो क्वेश्चंस कराते हैं हमें समझ आते हैं, बट इट इज़ अबाउट व्हाट हैपन्स आफ्टर दी क्लास, कि जब हम क्लास के बाद जब हम लोग DPP सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सिमिलर हो हमारी क्लास से वो हमसे हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके हमें अप्रोच ही नहीं समझ आ रहे। किन बच्चों के साथ ऐसा होता है? क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बच्चों इसको बेस्ट फिजिक्स का क्रैश कोर्स बोल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें एक्स्ट्रा है, और यही वो 3 चीज़ें एक्स्ट्रा होने की वजह से मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ये जो फिजिक्स का महाप्रलय क्रैश कोर्स है वो सारे के सारे क्रैश कोर्स के ऊपर डोमिनेट करता है। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? हाँ जी, देखो मैं इतने सारे स्टूडेंट्स देख पा रही हूँ, सब बोल रहे हैं कि दी हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। तो दैट इज़ माई एंटायर पॉइंट। क्यों तुम लगाओ 5 घंटे की क्लास, अगर 5 घंटे की क्लास को अटेंड करके तुम्हारे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं? डू यू ऑल अंडरस्टैंड मी? तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज अ प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है फिजिक्स की, यही तो वजह है कि फिजिक्स को करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, चाहे वो पढ़ने में टाइम लग रहा हो या फिर पढ़ाने में टाइम लग रहा हो. दिस इज दी नंबर वन रीज़न के जो बच्चे हैं फिजिक्स में गिव अप कर देते हैं, क्योंकि नादान है, छोटे बच्चे हैं, उनमें मेच्योरिटी नहीं है, उनमें इतना पेशेंस नहीं है कि वो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को लेके बैठ सके, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनसे खुद से नहीं हो रहे हैं. तो यही जो प्रॉब्लम है, इसी को सॉल्व करने के लिए मैं इस क्रैश कोर्स में टॉप 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रही हूँ. मतलब मानो अगर जैसे कि एक हमारा क्रैश कोर्स कल से शुरू हो रहा है, तो मानो अगर कल 7 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग यूनिट्स एंड डिमेंशंस को सिंगल शॉट में खत्म कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट द एंड. थ्योरी को कितना टाइम दोगे यार, थ्योरी पढ़ते रहोगे, तुम बताओ, थ्योरी करते रहोगे. नीट का एग्जाम अभी 60 डेज में है और तुम फिजिक्स में थ्योरी करोगे. आई एम नॉट सेइंग दैट डूइंग द थ्योरी इन फिजिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट लेट अस गिव इट व्हाटएवर टाइम इट डिजर्व्स. ऐसे नहीं कि हमें अच्छा लगाने के लिए, जैसे कि मैं अभी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी जो बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा टाइम ले लो, आप 2 और आधे घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट कराने की बात कर रहे हो, आप 3 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट कराने की बात कर रहे हो, ज़्यादा टाइम ले लो. तो मैं बोल रही हूँ ज़्यादा टाइम दो ना, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं नहीं डिस्कस करना चाहती यार एक कंसेप्ट को 1 मिनट की जगह 3 मिनट तक, जब मैं उस कंसेप्ट के ऊपर 4 मिनट एक्स्ट्रा लगाना चाहती हूँ, लगा सकती हूँ क्वेश्चन की हेल्प से. क्वेश्चन करके ही तो पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है. यहाँ पर मेरे ना बच्चों काफ़ी पेड प्लेटफॉर्म के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे होंगे, देखना कमेंट सेक्शन के ऊपर ध्यान देना. लेट मी आस्क देम वन क्वेश्चन. बच्चों मुझे ये बताओ, कितनी बार हमारी क्लास में ऐसा होता है दैट आई गिव यू अ सोल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन, जैसा सोल्यूशन ना इंटरनेट के ऊपर है, जैसा सोल्यूशन ना किसी बुक में है. कितनी बार होता है ऐसे हमारी क्लासेस में, जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, कि तुम्हें ऐसे लगता है कि दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैड टू बी डन. व्हाई वर वी स्ट्रेसिंग अबाउट कि यार ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, दिखने में तो खतरनाक लगा, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूहा भी नहीं छोटी सी चूहिया. होता है ना, ये देख लो कमेंट सेक्शन में तुम्हें दिख जाएगा. ऐसे नहीं इसको बेस्ट क्रैश कोर्स बोला जा रहा है, क्योंकि यार मुझे ना व्यूज भी नहीं चाहिए. जैसे कि अभी हम लोग यार वो वाले बोला जाता है कि कलयुग आ चुका है, तो आज के ठीक है दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम्स, कि अगर टीचर कुछ भी करने की कोशिश करे तो तुम्हें लगता है सब व्यूज के लिए है. व्यूज के लिए बच्चों कोई भी टीचर जो सही मायने में टीचर है ना, बच्चों का समय कभी नहीं बर्बाद करता, उनकी जिंदगी कभी नहीं बर्बाद करता उस 2000 व्यूज के लिए, 20,000 व्यूज के लिए, 2 लाख व्यूज के लिए. तो ये जो अभी मैं लाइव ओरिएंटेशन सेशन ले रही हूँ, तुम लोगों को यही बताने के लिए ले रही हूँ कि आई नो व्हाट वर्क्स. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कल की क्लास में चाहे 2000 बच्चे बैठ रहे हो, कल की क्लास में चाहे 5000 बच्चे बैठ रहे हो, या फिर 500 बच्चे बैठ रहे हो. मैं बोल रहा हूँ अगर पहली क्लास में आगे बैठ गए ना तो बैठे रहना. फिर 30 दिन का क्रैश कोर्स है. ये देखो, यही वो सारी चीज़ें है ना, ये 30 दिन का क्रैश कोर्स है, और इन 30 दिन में मैं तुम लोगों को पूरा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा रही हूँ, साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेशंस रखने हैं. क्योंकि अगर मैं एक टीचर होने के नाते तुम्हें बताऊं ना कि यार ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम्हारे लिए तो रह जाएगी फिजिक्स वो जो बुक्स में लिखी हुई है, तुम्हारे लिए तो रह जाएगी फिजिक्स जो गूगल के ऊपर गिवन है, वो नहीं है फिजिक्स. तो फिजिक्स के कंसेप्ट को बताने के लिए, एक मिनट, फिजिक्स के कंसेप्ट को बताने के लिए कुछ क्लासेज हैं. फिजिक्स के कंसेप्ट समझेंगे ना सुबह. ऐसा नहीं बोल रही कि सुबह वाली क्लास में क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिना क्वेश्चन के तो फिजिक्स हो ही नहीं सकती. करेंगे हम क्वेश्चन सुबह वाली क्लास में भी, लेकिन सुबह वाली क्लास में मेरा मेन फोकस होगा बच्चे को कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कि बच्चा ये ना बोले कि हमें कंसेप्ट नहीं पता था. क्योंकि है यहाँ पर ऐसे बच्चे जिनके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेजोरिटी ऐसे बच्चे हैं जिनके कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है. चाहे वो ऑल टुगेदर में फिजिक्स की बात करूं या फिर मैं फिजिक्स से कुछ गिने चुने चैप्टर्स की बात करूं, कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे फॉलो करते हैं, वो तुम्हें बता पाएंगे कि हम फॉर्मूला से नहीं चलते जब तक बिल्कुल हाथ ना बांध दिए जाएँ कि फॉर्मूला को अप्लाई करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. फॉर्मूला F=ma भी है, उन फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उन फॉर्मूलाज की कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द अपथ्रस्ट दैट एक्ट्स ऑन अ रॉकेट. जब वो इतने उसके अंदर से इतनी गैसेज इजेक्ट हो रही होती हैं और इतनी वेलोसिटी से इजेक्ट हो रही होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फॉर्मूलाज जो कंक्लूसिव फॉर्मूलाज है. बच्चे जो बिना गाइडेंस के फिजिक्स पढ़ते हैं ना, ट्रस्ट मी बच्चों, आई हैव बीन इन योर सिचुएशन, मैंने देखा है कि किस तरीके से बिना गाइडेंस के आपकी प्रिपरेशन खराब हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस सेशंस रखे हैं। ये देखो, ये प्रैक्टिस सेशंस इसी लेके सुबह हम लोग मानो अगर सुबह के 7 बजे हम लोग कंसेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं, जैसे कल सुबह हम लोग 7 बजे मिलेंगे यूनिट्स एंड डिमेंशंस को निपटाने के लिए, तो मैं तुम्हारा 1 और आधा घंटा मांगूंगी, मे बी 2 घंटे भी मांगू, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाना चाहूंगी। HC वर्मा, SL अरोरा, DC पांडे, NCERT के एग्जाम्पल क्वेश्चन, सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू नेम इट, जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं क्वेश्चन के, आकाश, एलन, फलाना, ढिमकाना, जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं क्वेश्चन के, उनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कराऊंगी। और किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे फॉर्मूला इंडिपेंडेंट हुआ जाता है, किस तरीके से फिजिक्स लगाई जाती है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कोई भी कर लेगा, तुम कर लोगे अभी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, भले तुम फिजिक्स में अभी 0 हो। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होने का मतलब फिजिक्स आना थोड़ी होता है। तो फिजिक्स कैसे आती है, फिजिक्स कैसे अप्लाई की जाती है, फिजिक्स का अप्रोच कैसे होता है, वो हम लोग बच्चों यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सुबह मिलेंगे 7 बजे, कंसेप्ट्स को समझेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और फिर 3 बजे मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ज्यादा से ज्यादा ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है 2 घंटे का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है मुझे देने को। देखो, जब भी मैं कोई भी सीरीज लॉन्च करती हूँ ना, एंड आई एम कीपिंग असाइड दिस फैक्ट कि नीट का एग्जाम 60 डेज में, अगर मानो नीट का एग्जाम 60 डेज में नहीं होता, लेट अस अज्यूम नीट का एग्जाम 4 महीनों में है, नीट का एग्जाम 6 महीनों में है, मैं हमेशा एक्सटेंड करती हूँ अपनी क्लासेस को। मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बच्चों ये चीज़ मैं तुम्हें 2 घंटे में करवाऊंगी, ये मैं बोलती हूँ लॉन्च के दौरान, ये मैं बोलती हूँ क्लास की शुरुआत में, लेकिन वो 2 घंटे हो जाते हैं यार, 2.5 घंटे, पता थोड़ी लगता है। अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल ऐसे फोकस के साथ पढ़ता है ना, उनको अच्छे से पता है यार, मतलब यू एंटर अ जोन, फिर आपको टाइम वगैरह का नहीं पता लगता है ना। तो वो 2 घंटे, 2 और आधे घंटे हो जाते हैं। बताओ कितने स्टूडेंट्स ने नोटिस किया, 2 और आधे घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं। और तब मैं ये चीज़ कर भी सकती हूँ क्योंकि तब तुम्हारे पास टाइम होता है मुझे देने को, अब तुम्हारे पास टाइम है नहीं। तो देखो, मैं तुमसे 2 और आधे घंटे मांग रही हूँ इसके लिए, जिसके अंदर हम लोग कंसेप्चुअली एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर 2-3 चैप्टर्स के एक्सेप्शंस है। ऑब्वियसली बात है, मैं रे ऑप्टिक्स ऐसे नहीं पढ़ा सकती, कैसे पढ़ाऊंगी मैं रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट, कैसे कराऊंगी मैं 2 और आधे घंटे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कराऊंगी 2 और आधे घंटे में, रोटेशनल मोशन कैसे करवाऊंगी 2 और आधे घंटे में। तो ऐसे हैं कुछ महारथी चैप्टर्स, कुछ 4-5 चैप्टर्स हैं, उनके लिए हम लोग 2 दिन डेडिकेट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 2 और आधे घंटे से ज़्यादा ये सेशंस नहीं होंगे। और किस तरीके से कराना है वो मेरी जिम्मेदारी है ना, तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। जैसे कि अभी मैं कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ देख पा रही हूँ कि दी क्या ये डिटेल्ड है, मतलब क्या आप डिटेलिंग में पढ़ाओगे। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मुझे बिना डिटेलिंग के पढ़ाना नहीं आता। वॉच एनी लेक्चर ऑफ माइंड, मुझे आता ही नहीं है किस तरीके से बिना डिटेलिंग के पढ़ाते हैं, किस तरीके से बिना सब कुछ बताए पढ़ाते हैं, मुझे आता ही नहीं है। तो तुम्हें पता है मेरी पूरी टीचिंग जर्नी में, जब से मैंने YouTube के ऊपर पढ़ाना शुरू किया है, मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था, मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि अगर तू अपने टीचिंग मेथड्स को नहीं अडाप्ट कर सकती, सॉरी, अगर मानो मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि यार मुझे सब कुछ बताना है, तो अपने टीचिंग स्टाइल को किस तरीके से अडाप्ट कर सकती थी मैं, कि मैं कम टाइम में वो सारी की सारी चीजें कराऊं। दैट वाज माय स्ट्रगल। मैं 4 घंटे के लिए भी बैठ सकती हूँ, मैं 6 घंटे के लिए भी बैठ सकती हूँ। मेरी लाइफ का, मेरी जो टीचिंग जर्नी है, उसका स्ट्रगल ही ये था कि जब मैं डिटेलिंग में ही पढ़ाना जानती हूँ तो कम टाइम में किस तरीके से किया जाता है। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ चीजें तो बच्चों मैंने भी सीखी है ना, ऐसे तो नहीं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी देखो सृष्टि साहा का अभी जोश टॉक आया था, एम्स ऋषिकेश में है, वो बच्चे भी मुझसे पढ़ी है। आई जस्ट टेकिंग जस्ट द नेम ऑफ फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स। एक बच्चा था जिसने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की थी, सोचो 2023 में एक बच्चा था जिसने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की थी और उसके 176 आए थे फिजिक्स में। आते हैं, क्यों नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। आज देखो, मैं जब तुम्हारे सामने खड़े होकर ये बोल रही हूँ कि यार तुम ये वाले क्रैश कोर्स की हेल्प से 150 से ज़्यादा लेके आ सकते हो। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवोल्ट करेंगे, कुछ टीचर्स भी रिवोल्ट करेंगे, बट द पॉइंट इज आई डोंट केयर। एज लॉन्ग एज माई प्लान वर्क्स, आई डोंट केयर। एंड आई नो दिस वर्क्स बिकॉज दिस हैज वर्कड इन द फ्यूचर। This had worked in the future, और ये अब की बार भी वर्क करेगा। और ये है हमारा फिजिक्स का महाप्रलय क्रैश कोर्स सिर्फ मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, है ना। अब मानो मैं तुम लोगों को डीपीपीज वगैरह दे दूं, अब ऐसा तो मैं भी स्टूडेंट थी यार, है ना। जैसे कि आज मैं जब सोचती हूँ कि मैं 5 साल पहले कैसे थी, 5 साल के बाद मैं सोचूंगी आज मैं कैसे थी, लेकिन अगर मैं आज सोचूं मैं 5 साल पहले कैसी थी, तो मैं भी स्टूडेंट थी, मुझसे भी नहीं होते थे सारे के सारे काम। इंसान उम्र के साथ, इंसान एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करता है। मुझे अच्छे से पता है डीपीपीज में आएंगे तुम्हारे बैकलॉग, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन की कमी है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम दूसरे बच्चे से कम डॉक्टर बनना चाहते हो। नहीं, मुझे पता है तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम बहुत ज्यादा डॉक्टर बनना चाहते हो। तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे पीछे वो सारे लोग हैं जो तुम पे भरोसा करके बैठे हैं, जो तुमसे आस लगाए बैठे हैं। है यार ऐसे बच्चे। अब जो बच्चे प्रिविलेज्ड रहे हैं अपनी लाइफ में, जिन बच्चों के घरों में कभी भी खाना आएगा कि नहीं आएगा, या फिर बस इस महीने इतने 1000 रुपए बचे हुए हैं, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, बर्थडे पे अगर केक ना आए, मतलब जिन बच्चों के साथ ये सारे सिनेरियो नहीं हुए, जो प्रिविलेज्ड रहे हैं, वेरी वेल एंड गुड, ठीक है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी है ये डिस्कशंस, जिनके घर पे है ऐसे डिस्कशंस यार, कि अगर मानो गाय दूध नहीं दे रही है 2 दिन के लिए, और उनकी रोजगारी ये है कि दूध को बेच के पैसे कमाते हैं, घर हिल जाता है। है ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारी आस लगाए बैठे हैं तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे, क्योंकि अगर वो तुमसे ही आस लगा के नहीं बैठेंगे, अगर वो तुम्हें एज अ सोर्स ऑफ सक्सेस नहीं देखेंगे, तुम्हें एज अ सोर्स ऑफ होप नहीं देखेंगे, तो किसको देखेंगे, है ना। तो उन सबके लिए करना है यार। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट तुम्हारे अंदर कितनी लगन है, रहेंगी तुम्हारी डीपीपीज में बैकलॉग। इसलिए मैंने सैटरडे का दिन दे दिया। एक मिनट, ये देखो, इसीलिए मैंने सैटरडे का दिन दिया कि तुम ले लो वो दिन, तुम ले लो वो दिन। मुझे पता है 5 दिन में 5 फिजिक्स के चैप्टर्स को कंप्लीट करना, चलो लाइव क्लासेस की हेल्प से कैसे कंप्लीट कराना है, वो मेरी फिजिक्स की अदा है, वो मेरी टीचिंग की अदा है, लेकिन अल्टीमेटली क्लास खत्म होने के बाद डीपीपी तो तुम्हें सॉल्व करनी है। ये जो संडे को मैं टेस्ट रख रही हूँ, ये तो तुम लोगों को ही देना है ना टेस्ट, इसके लिए प्रिपेयर भी तुम्हें ही करना है, तो उसके लिए मुझे टाइम भी देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये इस तरीके से स्केड्यूल बनाया कि मंडे टू फ्राइडे बच्चों हम लोग, मंडे टू फ्राइडे मैं क्लासेस रखूंगी, ठीक है, 2 क्लासेस होंगी, एक जिसमें हम लोग कंसेप्ट्स करेंगे, दूसरा जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फिर सैटरडे को तुम्हारा ऑफ, आराम से ब्रीदर लेना, जो भी डीपीपीज वगैरह रह गए हैं उनको तुम लोग कंप्लीट करना, और फिर बाद में तुम लोग आगे बढ़ना। संडे को जो टेस्ट है तुम लोग उसकी प्रिपरेशन करना, ठीक है। ये जो टेस्ट है उनके बारे में मैं एक एक करके तुम लोगों को सारी चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, ये देखो मैंने ये लिखा हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं, सैटरडे को रिवीजन और डीपीपी, और संडे को हम तुम्हारे टेस्ट हैं। एक मिनट, ठीक है। हाँ जी, सो दिस इज व्हाई आई कॉल दिस क्रैश कोर्स द बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर नीट 2024। बता दो, तुम देख रहे हो ना मुझे, अभी लिखो कमेंट सेक्शन में, आई डेयर यू, कुछ तो मुझे भी आता है, 1000 कमियां होंगी लेकिन कुछ तो मैं भी अच्छा करती हूँ, छान लिया है मैंने यूट्यूब। आई डेयर यू, लिखो नाम, कहाँ पर तुम लोगों को ये सारी चीजें मिल रही है। एंड आई से दिस नॉट आउट ऑफ प्राइड, आई से दिस आउट ऑफ एन इंटेंट टू स्प्रेड होप, कि तुम अगर इस क्रैश कोर्स में आओगे तो तुम्हारी इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस नहीं, डीपीपीज भी, कि मैं तुम्हारे साथ मिलके प्रैक्टिस भी करना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हें टाइम भी देना चाहती हूँ कि तुम खुद से भी प्रैक्टिस करो। और ये जो बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि यार दी, हम ना एग्जाम के दौरान हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो वो चीज़ कैसे फाइट करोगे तुम लोग, एग्जाम रेडी कैसे होगे? ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस करके ना। जब बैठोगे एग्जाम में, जब बैठोगे तुम लोग हर संडे को, बताऊंगी इन टेस्ट के बारे में, जब तुम बैठोगे हर संडे को सिर्फ इस एक इंटेंशन के साथ कि पूरे वीक दी ने जो कुछ भी पढ़ाया है, पूरे वीक में दी ने जितने भी क्वेश्चंस अपनी टेक्निक से सॉल्व करने हमें सिखाए हैं, पूरे वीक में हम लोगों ने जितनी सेल्फ प्रैक्टिस की है, अब उसको टेस्ट करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली राम शाम कुछ नहीं नजर आएगा एग्जामिनर को, एग्जामिनर को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है तुम्हारी OMR में, तुम्हारी OMR के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है स्टूडेंट के हिसाब से उसको बहुत कुछ आता है, OMR में नहीं दिखता। और मुझे लगता है वही सबसे ना फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट होता है होने का, कि यार मुझे तो ज़्यादा आता है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट, जब आप अपनी कैपेबिलिटीज को रिजल्ट्स के फॉर्मेट में नहीं दिखा पाते। तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ये मोस्ट अफेक्टिव कोर्स है, ऐसे थोड़ी ये फिजिक्स का बेस्ट क्रैश कोर्स है। इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए टेस्ट भी रख रही हूँ, हर संडे टेस्ट रख रही हूँ, और हर संडे जो टेस्ट होगा उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे थ्रू आएंगे। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम, ठीक है, हमारे पास पूरी हमारे पास एक टीम है जो क्वेश्चंस वगैरह बना सकती है, बट आई विल बी मेकिंग दीज क्वेश्चंस। दैट इज, इतना घुसना चाहती हूँ मैं तुम्हारी प्रिपरेशन में। I don't have anything else to do till 5th May except being there for all of you। और काफ़ी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि दिया पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थी, है ना। अब बच्चे बदतमीजी भी तो करते हैं, पहले कहाँ थी तुम, अभी क्रैश कोर्स ले आई हो। पहले भी पढ़ा रही थी यार, इसी YouTube चैनल पे पढ़ा रही थी, पेड क्लासेस में पढ़ा रही थी, 3-3 घंटे 4-4 घंटे वहाँ थी मैं। लेकिन हम फाइनली टाइम आ चुका है तुम जैसे बच्चों को भी सर्व करने का, क्योंकि ऐसा क्रैश कोर्स और कहीं नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट क्रैश कोर्स, यहाँ से तुम्हारे मार्क्स बनेंगे। हाँ जी मैम, प्लीज 12th से स्टार्ट कर दो यार। नहीं, बिल्कुल भी मैं 12th से स्टार्ट नहीं कर सकती। अच्छा तुम लोगों ने ना, तुम लोगों पे तो कभी कभी गुस्सा ही आता है भगवान। एक तो हो गए एंगर इश्यूज और एक हो गए तुम। देखना ये 15 अप्रैल है, माइक निकल जाएगा एक मिनट। ये देखो, ये जो हमारा क्रैश कोर्स है 13 से शुरू के 15 तक जा रहा है। मैं तुम्हें बताती हूँ 12 से क्यों नहीं शुरू कर सकती। 12th में मानो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू कर दिया, अब ना तुम्हें वेक्टर्स आते हैं, ठीक है, ना तुम्हें फोर्सेज के बारे में पता है, ना तुम्हें एक्सेलरेशन के बारे में पता है, मेरी तो जान खा जाओगे तुम। मेरी जान भी, चलो मैं अपनी जान भी दे देती हूँ तुम लोगों को खाने के लिए, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम क्लासेस लगा लोगे, तुम प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर लोगे, लेकिन फिर भी तुमसे नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, और ना तुम्हें समझ आएगा क्यों नहीं बन रहे हैं। द रीज़न बीइंग कि जो क्लास 11th के जो इनिशियल चैप्टर्स हैं वो बेसिस हैं, तुम्हारी पूरी की पूरी फिजिक्स की बेसिस मकैनिक्स है, एक्सेप्ट फ्यू यूनिट्स। जैसे मॉडर्न फिजिक्स हमें करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स नहीं आने चाहिए, ऑप्टिक्स के लिए नहीं आने चाहिए, थर्मल फिजिक्स के लिए नहीं आने चाहिए, लेकिन और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए आने चाहिए, है ना। तो पहले निपटा लेते हैं ना, पहले अच्छे से हम लोग क्लास 11th को ही निपटा लेते हैं। इसीलिए मैं मैकेनिक्स को भी 2 स्टेजेस में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आई अंडरस्टैंड कि क्लास 12 फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्लान इस तरीके से किया है कि पहले यूनिट्स एंड डिमेंशंस कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज द बेसिस ऑफ एवरी चैप्टर। इन एवरी चैप्टर यू हैव यूनिट्स, इन एवरी चैप्टर यू हैव डिमेंशंस। उसके बाद मैं आधी मैकेनिक्स कराऊंगी, मतलब वो वाले मैकेनिक्स बताऊँगी बच्चों, वेक्टर्स, शांति शांति, मैथ्स के ऊपर भी आऊँगी, मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर भी आऊँगी। अभी मैं बोल रही हूँ पहले हम लोग करेंगे मैकेनिक्स का फर्स्ट वाला पार्ट, वो वाला पार्ट जो दूसरे चैप्टर्स में आ रहा है, जैसे काइनेमैटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। ये मैं तुम्हें पहले कराऊंगी क्योंकि ये और सारे चैप्टर्स में आ रहा है। फिर चलेंगे क्लास 12 के ऊपर, क्योंकि क्लास 12 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तुम देखो अगर मतलब अभी जिस हिसाब से, जब से NTA ने एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू किया ना, तो तब से कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं कि अगर मानो क्लास 11th से 2x क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्लास 12 से 3x क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब रेशियो 2/3 है। तो आई अंडरस्टैंड क्लास 12th इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कोई ना मैकेनिक्स के ये वाले चैप्टर खत्म करके क्लास 12th पे चलेंगे। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स कराऊंगी, फिर तुम्हें ऑप्टिक्स करवाऊंगी, फिर आगे देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे मैराथॉन्स भी आएंगे कि मान लो थर्मल फिजिक्स को एक सिंगल मैराथन 7 घंटे में बैठ के हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। दैट मेनी थिंग्स बच्चों, देखो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, भले मेरा प्लान तुम्हें समझ आए ना आए, लेकिन तुम इस प्लान पे ट्रस्ट ज़रूर कर सकते हो, बिकॉज आई केयर अबाउट दिस एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मच। दिस मैटर्स अ लॉट टू मी, वॉट मैटर्स अ लॉट टू मी दैट दिस शुड वर्क। मुझे चाहिए नीट 2024 के रिजल्ट के बाद बच्चे जो सिर्फ ये बोल रहे हो कि दी यार तब से ज्वाइन किया था, क्योंकि हर साल मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि दी आपके 30-day कैप्सूल से ज्वाइन किया था, दी आपके डेल्टा क्रैश कोर्स से ज्वाइन किया था, हमारे फिजिक्स में इतने मार्क्स आ गए। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद मेकिंग दिस प्लान वर्क। तो बीच में होगा कभी कभी हम लोग इस तरीके से मैराथॉन्स वगैरह लगाएंगे, है ना। बट व्हाट्स एवर 15 अप्रैल से पहले तुम्हारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ खत्म हो चुका होगा, और 16 अप्रैल से ही हम लोग यूनिट वाइज रिविजन और प्रैक्टिस के ऊपर चल देंगे। ठीक है जी, ओके अब मैं एक क्वेरी को एड्रेस कर देती हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि दी हम लोग बेसिक मैथ्स कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स आपको खुद से करनी है, देखो पहले जो चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें कोई बेसिक मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर जो काइनेमैटिक्स वगैरह है उनके अंदर बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। कौन से बेसिक मैथ की मैं बात करूँ, ग्राफ्स वगैरह के बारे में बात कर रही हूँ। तो जिन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और अभी तुम लाइव ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर रहे हो, हमारी सुबह 7 बजे क्लास है, यू हैव द टाइम। कल के दिन के लिए तो तुम्हें बेसिक मैथमेटिकल टूल नहीं चाहिए, तो आई कैन से तुम्हारे पास एक और आधा दिन है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को कंप्लीट करने के लिए। कौन से बेसिक मैथमेटिकल टूल्स मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम लोगों को वेक्टर्स मैं सिखाऊंगी, ठीक है, वेक्टर्स की जिम्मेदारी मैं किसी और को नहीं दे रही, वेक्टर्स मैं सिखाऊंगी। तुम लोगों को आना चाहिए ग्राफ्स वगैरह, है ना, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, बाकी छोटे बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मेट में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हर जगह तुम लोगों को बताए जाएंगे। कि मानो अगर तुम लोगों ने एक बार भी किया है ना तो तुम्हें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानो अगर तुमने जीवन में कभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, जीवन में कभी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है, वरना तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज अगेन यार, ये वाले क्रैश कोर्स की हेल्प से किसी बच्चे के 180 ऑन 180 थोड़ी आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने पहले ना पढ़ाई की हो, हम एम ही 150 को कर रहे हैं ना, हम एम ही 140 को कर रहे हैं, हम एम ही 130 को कर रहे हैं, तो हम लोगों को किसी भी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी में तो जाना ही नहीं है। तो अगर मानो तुम लोगों को बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी में जाना है तो तुम्हारे पास एक और आधा दिन है। मेरे ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल है, जाओ जाके बेसिक मैथ करके आओ। तुम एग्जाम के 60 डेज पहले आके मुझे ये नहीं बोल सकते कि दे बेसिक मैथ्स कराओ। What have you been doing since now? जी, बाकी कोई भी बेसिक मैथमेटिकल टूल हमारी क्लासेस में स्किप नहीं होगा, सबके बारे में बताया जाएगा। वेक्टर्स भी मैं कराऊंगी क्लासेस में, डॉट प्रोडक्ट भी, क्रॉस प्रोडक्ट भी, ट्रिगोनोमेट्री भी, डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी, सब मैं कराऊंगी, लेकिन छोटू फॉर्मेट में, ठीक है जी। सो आई गॉट एवरीथिंग कवर्ड, डोंट वरी अबाउट इट। डू यू अंडरस्टैंड मी? महाप्रलय क्रैश कोर्स, महाप्रलय फिजिक्स का क्रैश कोर्स, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। नाउ आई विल बी एड्रेसिंग योर क्वेरी एंड एवरीथिंग। हाँ जी मैम, नोट्स बता दो ना। नोट्स नहीं बनाने? नहीं भाई, नोट्स कोई नहीं बच्चा बनाएगा। देखो मैं ना लिख देती हूँ यहाँ पे, मेरा माइक, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड यार। मैं ना यहाँ पर लिख देती हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जो नीट अड्डा 247 का टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक तुम लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ्स वगैरह भी शेयर होंगे, और जितने भी क्लास लिंक्स हैं वो भी शेयर होंगे, और जितने भी डीपीपीज हैं सारे के सारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। 60 दिन पहले नोट मेकिंग मत करना, जाओ किसी भी टॉपर से पूछ लो, वो तुम्हें खुद बता देगा कि क्या एग्जाम से 60 डेज पहले नोट्स बनाए जाते हैं। नहीं, ऐसे नोट्स का यूटिलाइज कर सकते हो जिन नोट्स को बनते हुए तुम लोगों ने देखा है, या फिर जिन नोट्स का पूरा डिस्कशन तुम्हारे सामने हुआ है। तो मैं क्लास में लेके आऊंगी ना नोट्स, क्लास के नोट्स के बेसिस के ऊपर ही डिस्कस होंगे ना। ऐसे थोड़ी बता रही होगी हाँ पर एक वेक्टर आया, ये वो गया, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है इतने, ऐसे थोड़ी होगा क्लास में। सो यू विल हैव नोट्स, सो यूटिलाइज द नोट्स जो तुम लोगों को क्लास में मिलेंगे, है ना। तो टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लो बच्चों। ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कोई पॉइंट नहीं है। सारे पीडीएफ्स, डीपीपीस, टेस्ट के लिंक सारे के सारे तुम लोगों को यहीं पे मिलेंगे। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन, है ना। मैम क्लास 11th कब तक होगा? यार मैं स्विच करके करा रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया है। पहले मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस करा के मैं जाना चाहूंगी मैकेनिक्स के वो वाले सेगमेंट में जो सारे के सारे चैप्टर्स में आता है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आता है ना। फिर हम क्लास 12th में जाएंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, ऑप्टिक्स करेंगे, तो स्विच करके करेंगे। अभी तक के लिए मैं तुम्हें इतना सिलेबस बता सकती हूँ, और तुम्हें ये बता सकती हूँ एंड डेट क्या है। या तो इसी दिन खत्म होगा, और भगवान ने अगर साथ दिया, अगर मेरा गला खराब ना हुआ तो क्या पता इससे पहले भी करा दूँ। मतलब मैंने ये प्लान ये सोच के भी बनाया है कि व्हाट इफ अगर मेरा गला बीच में खराब हो जाता है तो, बाकी वी नेवर नो, है ना। और बताइए दी टेस्ट कैसे होंगे? हाँ टेस्ट देखो, टेस्ट जो है बच्चों अड्डा के आपके ऊपर होंगे। तुम लोगों को एक लिंक दे दिया जाएगा, वो लिंक शायद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, नहीं है तो डोंट वरी एट ऑल। कल सुबह हम लोग मिलेंगे ना 7 बजे। पहले मुझे ये बताओ कौन कौन बच्चा सुबह 7 बजे मेरे साथ क्लास लगाएगा? सुबह 7 बजे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इलेक्ट्रॉन, मैंने सेम चीज़ आज सुबह भी बता रही थी मैं बच्चों को। इलेक्ट्रॉन तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के भी वायर में मूव करता है, लेकिन क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी, या फिर क्या वो करंट प्रोड्यूस कर पाता है? नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस कर पाएगा। तुम्हारा कोई स्केड्यूल होगा तभी तुम लोग प्रोडक्टिव हो पाओगे। तो सुबह 7 बजे बिल्कुल लाइव क्लासेस लगाने, कोई भी बच्चा उसको रिकॉर्डेड के लिए नहीं छोड़ेगा, प्रॉमिस करो मुझे कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, प्रॉमिस कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि दी हम लोग आ जाएंगे सुबह के 7 बजे, ठीक है। 7 बजे क्लास है, मान के चलो मैं 7:05 पे ज्वाइन करूंगी, ठीक है। तो बैठेंगे 2 और आधे घंटे में चैप्टर को हम लोग निपटाएंगे, है ना। तो कल सुबह जो क्लास होगी, मैं तो क्लास लिंक मैं प्रिपेयर्ड रखूंगी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास लिंक है कि नहीं, बट इट डजेंट मैटर, सो आई डोंट इवन वांट टू नो। चेक कर लो, अगर टेस्ट का लिंक दिया हुआ है तो उसके ऊपर क्लिक कर लो, अगर नहीं दिया हुआ डोंट वरी एट ऑल। सुबह आओ, सुबह वाली क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगी। और एक बार जब ये सेशन एंड हो जाता है, इनकेस अगर टेस्ट लिंक नहीं प्रोवाइडेड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मैं ऐड करा दूंगी। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उस लिंक को क्लिक करना है। ये जो टेस्ट है अड्डा के ऐप के ऊपर होंगे, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने तुम्हें बताया फिजिक्स का महाप्रलय क्रैश कोर्स है जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ये सारी की सारी चीज़ें तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो तुम्हें एक लिंक दिया जाएगा, तुम्हें इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट 1 सेकेंड, नहीं है ना, डोंट वरी बच्चों। कल जो सुबह हमारी क्लास होगी ना उसमें मैं तुम्हें बता दूंगी। तो तुम्हें उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और जब तुम उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐप खुल जाएगा, तो एक पेज खुल जाएगा। उसी पेज के अंदर सारे के सारे जो टेस्ट हैं धीरे धीरे ऐड कर दिए जाएंगे। तो जितने भी संडे आएंगे बीच में, सारे के सारे संडे ये जो टेस्ट है कंडक्ट कराए जाएंगे। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे उन 5 चैप्टर्स में से, या फिर उन सारे चैप्टर्स में से जो हम लोगों ने मंडे से फ्राइडे के फ्रेम में सीखे हैं। तो तुम लोगों को सिर्फ ऐप के ऊपर आना है, लाइव टेस्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। ऐप के ऊपर आना है, टाइमिंग्स वगैरह मैं सब बता दूंगी तुम लोगों को कल सुबह वाली क्लास में। बन रहे हैं अभी टेस्ट वगैरह, है ना। और तुम्हें वहाँ पर आके वो टेस्ट देने हैं, तुम्हें अपनी गलतियाँ वगैरह देखनी है कि कहाँ पर गलती हुई और उसका सुधार करना है। बाकी 50 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं बिल्कुल। अगर हम लोग इसको देखो नीट सेंट्रिक अगर रख ही रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें फिर नीट सेंट्रिक होनी चाहिए। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी मैंने 50 रखे हुए हैं, क्योंकि नीट के एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के, ठीक है जी। मैम सोते 2-3 बजे हैं, कैसे उठे? अब ये तो देखो इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं। अब मैं तो नहीं बोलूंगी लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, ऑब्वियस सी बात है। यू वुड हैव टू फिक्स योर स्लीपिंग स्केड्यूल और फाइंड अ वे। नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, बट यू कैन आइदर स्टार्ट स्लीपिंग अर्लियर और यू कैन स्लीप एट 3, wake up at 6:30, then sleep somewhere in the afternoon or something. देख लो यार, मतलब ऐसे सवाल मत पूछो यार, थोड़े से ऐसे सवाल पूछो ना जिनका जवाब सिर्फ मेरे पास हो। नहीं, 2025 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बच्चा जी, 2024 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्या ये सफिशिएंट है? इससे ज़्यादा तुम कर नहीं सकते, तुम्हारी ह्यूमन कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। भर दिया है मैंने, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है नेक्स्ट के 60 डेज में इससे ज़्यादा करके, इससे ज़्यादा मार्क्स लाने के। दिस इज़ द मोस्ट यू कैन डू, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू इंक्रीज योर फिजिक्स स्कोर, ठीक है। ओके जी, ठीक है, ठीक है। तो क्लास का लिंक बच्चों पिंड है, क्लास का लिंक पिंड है। कल जो हमारी क्लास है सुबह के 7 बजे और जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है 3 बजे, दोनों का लिंक पिंड है। उसके ऊपर क्लिक करके लाइक करो। सारे के सारे सेशन तुम लोगों को क्लास से पहले ही लाइक कर देने हैं। मुझे ऐसे डिमोटिवेशन होगी यार, है कि पहले वाले सेशन में तो 3000 लाइक थे सेशन से पहले, अब 300 के ऊपर आ चुके हैं। तो सब बच्चे प्रण लेंगे, क्लास तो अटेंड करोगे ही करोगे। कुछ चीज़ दूसरों के लिए भी करो ना यार। जैसे तुम मेरी क्लासेस इसलिए थोड़ी अटेंड कर रहे हो बिकॉज यू लाइक मी, है ना, बिकॉज यू लाइक हाउ एवरीथिंग इज एंड स्टफ। नो, यू विल बी अटेंडिंग माई क्लास क्योंकि तुम्हारा फायदा है कि नहीं। मैं क्लास ले रही हूँ जिसमें तुम्हारा भी फायदा है। तो लेट अस हैव अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, आई हेल्प यू एंड यू हेल्प मी। तो सारे के सारे सेशंस को लाइक कर देना है मेरे लिए, उन सेशंस को अटेंड करके उन सेशंस में रेगुलर रहना है खुद के लिए। इतना तो तुम भी कर सकते हो। हाँ जी, दी 170+ आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। अगर तुम्हारे अभी 120 130 चल रहे हैं तो 170 डेफिनेटली लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम 0? डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर 0। मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट इज माई 0। My zero is you don't know what is force. You don't know about this equation F is equal to ma. That is zero. You don't know what are vectors. You don't know what are scalars. You don't know there are two types of charges. You don't know that the like charges repel one another and unlike charges attract one another. That is zero. और मैं लिख के दे सकती हूँ, कोई भी बच्चा जीरो पे तो है नहीं. तो देखो, अगर तुम जीरो के ऊपर नहीं हो, क्योंकि दिस इज द जीरो दैट आई हैव डिफाइंड कि ये मेरा जीरो है, तो अगर तुम मेरे जीरो के ऊपर नहीं हो, सो देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन डू फ्रॉम दिस क्रैश कोर्स. जितना ज़्यादा सिंसियरली इस क्रैश कोर्स को तुम लोग लोगे, जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट तुम लोग इस क्रैश कोर्स में रहोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे, क्योंकि जीरो पे कोई नहीं. अगर तुम यार क्लास 11th अगर तुम लोगों ने पास कर ली है, स्कूल अगर तुम लोग गए हो, कुछ तो स्कूल में सुना होगा, भले ही ज़्यादातर ध्यान शालिनी के ऊपर हो या फिर लड़कियों का साहिल के ऊपर हो, लेकिन कुछ तो तुम लोगों ने सुना होगा. तो कोई भी बच्चा जीरो पे तो है नहीं, सो लेट इज़ नॉट प्रिटेंड. और ये बोलना भी बंद कर दो कि तुम जीरो पे हो, वो अलग बात हो सकती है. तुमने फिजिक्स को डेडिकेटेडली कभी नहीं पढ़ा, कोई नहीं, अभी पढ़ो. इतना तो मुझे भी आता है ना. सो डोंट वरी एट ऑल, नो मैटर व्हाट इज योर लेवल, एवरी वन कैन अटेंड दिस क्रैश कोर्स. जितना अच्छा तुम अभी ऑलरेडी इस क्रैश कोर्स के बिना कर रहे हो, उतना अच्छा इस क्रैश कोर्स के बाद करोगे. सब में इंक्रीज नजर आएगा. कोई बच्चा जीरो है, मानो फॉर एग्जांपल, मानो जीरो वाला बच्चा 120 पे चला गया, ठीक है. 40 वाला बच्चा 140 पे 130 पे चला गया. 60 वाला बच्चा 140 पे चला गया, 145 पे चला गया. बहुत ही हाइपोथेटिकली मैं बोल रही हूँ, अब ऐसे यूनिटरी मेथड मत लग जाना. व्हाट आई एम सेइंग इज, जितना तुम अच्छा अभी कर रहे हो, तो सारे के सारे बच्चे उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा करेंगे अगर इस क्रैश कोर्स में अगर तुम लोग पार्टिसिपेट करते हो. और इससे ज़्यादा मैं टाइम बच्चों तुम लोगों का लेना नहीं चाहूँगी, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से. सो इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो. हाँ जी, क्लास का टाइम यही रहेगा यार, टाइमिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. आई एम अ मॉर्निंग पर्सन एंड माई सब्जेक्ट डिमांड्स मॉर्निंग. माई सब्जेक्ट डिमांड्स फुल अटेंशन. माई सब्जेक्ट डिमांड्स a fresh mind. My subject does not like a tired mind. तो जो subject demand करेगा, तो obviously बात है हमें इसकी सारी demands का ख्याल रखना पड़ेगा. Like करो session को. What is this बदतमीजी? हाँ जी, ये इतने कम likes क्यों हैं भाई? जितने बच्चे बैठे हैं उतने ही like है. फटाफट से इस session को like करो, और अगर कोई भी question है तो मुझसे पूछते जाओ. हाँ जी, दिस इज़ द ओरिएंटेशन सेशन. सिर्फ मैंने तुम लोगों की क्वेरीज़ को एड्रेस करने के लिए और इस क्रैश कोर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये रखा था, ठीक है. डीपीपी के सॉल्यूशंस तुम्हें मिलेंगे, जैसे कि जो मैं डीपीपी दूंगी ना, डीपीपी के साथ ही उसके सॉल्यूशंस भी पीडीएफ के फॉर्मेट में तुम लोगों को मिलेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. मैम टीच ऑन बोर्ड नहीं, आज भले ही मैं ओरिएंटेशन बोर्ड के ऊपर ले रही हूँ, पढ़ाऊंगी बोर्ड पे नहीं, क्योंकि मुझे बोर्ड पे पढ़ाना नहीं आता. एवरी वन हैज़ देयर ओन स्टाइल, राइट. सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, उनसे खिलवा लो फुटबॉल, जबकि वो भी स्पोर्ट ही है, उसके अंदर भी सेम स्टामिना की रिक्वायरमेंट है. खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे ना. और ये वक्त नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का या सीखने का. तो आई एम वेरी वेल इक्विप्ड एज अ पर्सन. मेरे सारे न्यूरल नेटवर्क्स इस तरीके से बन चुके हैं, इस तरीके से एक्सपर्ट बन चुके हैं कि 2.5 आवर्स में एक टैब के ऊपर बैठ के, जहाँ पर मैं क्विकली, मतलब तुम लोग जो बच्चे मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं ना, उन्होंने देखा होगा हाउ आई टीच. कभी कभी ऐसा भी होता है मैं लिख कुछ रही होती हूँ, बोल कुछ और रही होती हूँ. समझ आता है, डोंट वरी. लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, इट कैन नॉट हैपन ऑन बोर्ड. आई डोंट नो हाउ टू टीच ऑन बोर्ड, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. बाकी दैट शुड नॉट बी एन इशू यार. मतलब what is this discussion? Why are we even discussing this? This should not be a discussion कि बोर्ड के ऊपर पढ़ाओगे या फिर कैसे पढ़ाओगे, है ना. अच्छा पढ़ाऊंगे, धांसू पढ़ाऊंगे, तबाही पढ़ाऊंगे, ठीक है. दैट शुड बी इनफ. अब सबकी तमन्ना पूरी होगी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. फिजिक्स इज अटेंशन सीकर. It is, isn't it? कोई नहीं, दे दो फिजिक्स को थोड़ी सी अटेंशन, क्योंकि फिर तुम ही रोते हो. अगर फिजिक्स अटेंशन सीकर है, तो उसकी अटेंशन के बिना तो तुम्हारा भी गुजारा नहीं है. तुम्हें भी तो फिजिक्स की अटेंशन चाहिए, तो आप फिजिक्स को अटेंशन दीजिए, फिजिक्स आपको अटेंशन देगी. ऐसा थोड़ी होगा आप फिजिक्स को अटेंशन दे नहीं रहे हैं, आपका सारा ध्यान दूसरे दो सब्जेक्ट्स में है. फिजिक्स आपने आखिरी के लिए छोड़ी हुई है, फिर आप इससे भी परेशान हैं, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर आप अपने आप को बुद्धू बता रहे हैं कि हमसे मैथ्स नहीं होती, फिजिक्स हमें डिफिकल्ट लगती है। अरे भाई, तूने करी कब है फिजिक्स की तुझे डिफिकल्ट लगे, है ना। तो फिजिक्स को अटेंशन दीजिए, फिजिक्स आपको अटेंशन देगी। अरे बहुत सारे कमेंट्स है भाई, वीडियो को लाइक करेंगे सब बच्चे, लाइक द वीडियो एवरीवन। मैम आप सब कंप्लीट करवा दोगे ना? बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगी, खून से लिख के दे दूं तुम्हें, हैं? अभी यहाँ पर ऐसे तुम्हारे सामने ये काट लूं, लिख के दे दूं? डेफिनेटली सब करवाऊंगी यार, दैट इज द होल पॉइंट। पहले कब नहीं करवाया है? एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन, व्हाटएवर इज सेड विल बी डन। तो पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे लाइव क्लासेस की हेल्प से, जिसमें तुम्हारे प्रैक्टिस सेशंस इन्वॉल्व होंगे नो मैटर व्हाट, and then we are going to begin with the unit wise revision and practice। मैम आप फ्लूइड्स कराओगे? सैडली यस। डीपीपी कहाँ मिलेंगे? डीपीपी भी तुम लोगों को, अगेन प्लीज नीट अड्डा का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, तुम लोगों को जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। यहीं पे पीडीएफ तुम लोगों को मिलेगा, यहीं पे डीपीपी तुम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। सारी चीजें तुम लोगों को वहीं पे मिलेंगी, सारे क्लास लिंक्स भी तुम लोगों को वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। देखो ऑफिशियल, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करो बच्चों, ये देखो, जब तुम डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ये नजर आ रहा है ना यहाँ पर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए, वहीं पे सारे डीपीपीज वगैरह आएंगे। आई बी डिस्कसिंग फॉर अनदर 2 minutes एंड देन आई एंड द सेशन। I can't solve questions even when my concepts are clear। इसीलिए तो प्रैक्टिस सेशंस रखे हैं, इसीलिए तो मैं मंडे टू फ्राइडे रेडी हूँ तुम लोगों को एक्स्ट्रा 2 घंटे देने के लिए, जहाँ पर मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि आजा मैं तुझे बताती हूँ क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दैट इज द रीजन कि मैं टॉप 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को अपने स्टाइल से कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ जी, यार टाइम नहीं चेंज होगा यार, प्लीज़ टाइम के बारे में कुछ मत बोलो। आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, मेरे हाथ में ही नहीं है वो भगवान के हाथ में है। भगवान ने मुझे बोला 7 बजे लो तमन्ना क्लासेस, ठीक है। चलो ओके, सो आई डोंट सी एनी पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी एड्रेस ना कर दिया हो। अगर कोई बच्चा इस ओरिएंटेशन सेशन में लेट आया है तो प्लीज़ उस इस ओरिएंटेशन सेशन को पूरा का पूरा देख लेना, और अब कल मिलते हैं 7 बजे, माइक ड्रॉप, ठीक है। कल मिलेंगे 7 बजे और यूनिट्स एंड डिमेंशंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 3 बजे आके हम लोग उसी चैप्टर के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी सेशन एंड हो रहा है, तो अभी मैं सेशन जैसे ही एंड करूंगी तुम्हारी साइड से मुझे एक हैशटैग, देखो ऐसी हैंडराइटिंग आती है मेरी बोर्ड के ऊपर, और तुम कह रहे हो बोर्ड के ऊपर पढ़ा दो, ऐसी हैंडराइटिंग में पढ़ाऊँ मैं, हैं? इतनी साफ सुथरी क्लासेस, ये देखो। तो हैशटैग नो मैटर व्हाट का कमेंट सब बच्चे कमेंट सेक्शन में कर जाएंगे। कोई भी अगर और ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने इस सेशन में नहीं एड्रेस की है, कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। बाकी हैशटैग नो मैटर व्हाट का जो कमेंट है मुझे सब बच्चों का कमेंट सेक्शन में चाहिए। लाइक दिस सेशन, बी अ गुड स्टूडेंट, इसको और नीट एस्पिरेंट्स में शेयर करो। बी अ गुड फ्रेंड, सेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। होंगे 1000 फिजिक्स के क्रैश कोर्सेज, ऐसा एक नहीं है। जितने मार्क्स का इंक्रीज तुम्हारा वहां से आएगा उससे ज्यादा मार्क्स का इंक्रीज यहाँ से आएगा, बिकॉज ऑफ अ वेरी प्लेन लॉजिक। यहाँ पर तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर तुम्हारी ज्यादा चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। सिर्फ क्लासेस में जो हो रहा है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्लास के बाद जो होता है उसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। एंड दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, है ना। चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में हैशटैग नो मैटर व्हाट चाहिए। कल की जो क्लास का लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर दो, कल के लिए रिमाइंडर सेट कर दो, और मैं अब यहाँ पर आप लोगों को अलविदा कहना चाहूँगी। शुरू करते हैं फिजिक्स के इस महाप्रलय क्रैश कोर्स को। पहली क्लास कल सुबह जो 7 बजे होगी। वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी पम्प्ड, वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट इट इज गोइंग टू लीड टू। वेरी वेरी होपफुल अबाउट दिस क्रैश कोर्स दैट दिस इज गोइंग टू ब्रिंग रिजल्ट्स। वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस क्रैश कोर्स बिकॉज टीसी ने दोबारा से यूट्यूब के ऊपर एंट्री ले ली है। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं कभी यूट्यूब से नहीं गई थी, बट नाउ वी आर बैक विद अ बैंग, वी आर बैक विद अ बैंगर, है ना. सो लेट अस मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट और मिलते हैं कल सुबह को 7 बजे. आप सबको मेरा अलविदा, बाय बाय.